अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमारे पास बुक की ही एग्जांपल है। अब पहले हमने कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव किया, फिर एसोसिएटिव लॉ को यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से किया, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को करेंगे। ठीक है, वेरीफाई करना है यूनियन और इंटरसेक्शन से। ठीक है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी के, और इंटरसेक्शन फिर ए यूनियन सी के। ठीक है, सेट हमारे पास गिवन है। ए सेट है 1 से 20, बी सेट के एलिमेंट्स हैं 5, 10, 50, 20, 25, 30, एंड सी के हैं 3, 9, 15, 21, 27, 33। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास ब्रैकेट का पार्ट होता है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास था बी इंटरसेक्शन सी, तो बी सेट क्या था हमारे पास, ये हमने बी सेट लिखा। अलामत क्या थी, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन डाला। नेक्स्ट क्या था, सी, तो हमने सी सेट को लिखा। ठीक है, इंटरसेक्शंस में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, तो इसमें सिवाय 15 के दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं था, तो हमने 15 लिखा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट तो हमने फाइंड नहीं की, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लिया। अब इसका हमने यूनियन लेना है ए के साथ, तो हम लिखेंगे ए। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट्स थे 1 से 20, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या आया था, 15। ये देखेंगे, यहाँ से ये 15 आया था, ये 15 लिखा। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट हमारे पास जो है वो नहीं लिखने, क्योंकि यहाँ हमने फाइंड करना है यूनियन। ठीक है, यूनियन में हम दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, तो ये हमारे पास 1 से 20 तमाम एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। ए का यूनियन लेंगे बी के साथ, और फिर ए का यूनियन लेंगे सी के साथ, और इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन कराएंगे, क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए का यूनियन लेंगे बी के साथ, ए में एलिमेंट्स है 1 से 20, यूनियन बी में हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स थे, तो यूनियन में दोनों एलिमेंट्स आएंगे, तो 1 से 20 तो आ गए सारे। 20 के बाद इसमें हमारे पास था 21 नहीं था, 25 था वो भी लिखा, 30 एक्स्ट्रा था वो भी लिखा। ठीक है, आगे हमने ए का यूनियन लेना था सी के साथ, ए में हमारे पास से 1 से 20 यूनियन, और सी सी के एलिमेंट्स थे ये 3, 9, 15, इनका यूनियन लेना था। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इसी तरह से हमने 20 तक सारे एलिमेंट्स काउंट किए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा थे 21 वो भी लिखा, 27 एंड 33। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करना था कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी हमारे पास आया था 1 से 20, 25, 30, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, एंड ए यूनियन सी में क्या आया है, 1 से 20 तो तमाम एलिमेंट्स आ गए, 21, 27, 33 एक्स्ट्रा थे वो भी आ गए। अब क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन होंगे। 1 से 20 इसमें है, 1 से 20 इसमें भी है, तो 1 से 20 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमने प्रूव की थी जब यूनियन के लिहाज से की थी, तो हमारे पास आया था 1 से 20, और ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई जी 1 से 20। ये हमारे पास प्रूफ हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमने प्रूफ कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।